मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए अधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकरण को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सस्पेंड आईएएस सुनील वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की सीट को हरवाने में कहीं ना कहीं जिला अधिकारी और या सुनील वर्मा का पूरा हाथ रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में योगी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। उसी क्रम में जिलाधिकारी पे तमाम जिलाधिकारी औरैया पे तमाम शिकायतों की थी, उसकी एक हमारे यहाँ कमिश्नर आईजी दोनों लोग टीम बना के आए और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों से हम सबसे सीधी वार्ता करके और उन्होंने यहाँ जिलाधिकारी और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सब की लिखित तौर पे सारी विवेचना की और उस विवेचना को सीएम साहब के यहाँ प्रेषित किया और उस प्रेशर पे 24 घंटे में सीएम साहब ने जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया और विजिलेंस के जांच के द्वारा जो भी कानून के दायरे में भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा उसको योगी सरकार में यशस्वी मोदी जी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई भी हो। जिलाधिकारी सुनील वर्मा की शिकायत पूर्व में भी आपके द्वारा और माननीय सांसद जी के द्वारा की गई थी, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाई, जांच के उपरांत ही कार्रवाई होती। अगर हम सीधा किसी के आरोप के बाद अगर सीधा निलंबन कर दें या सीधी कार्रवाई कर दें तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जांच के बाद विवेचना हो, विवेचना के बाद जो उनकी रिपोर्ट जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और यही यशस्वी योगी सरकार ने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।